गांव की लड़कियों में जैसे ही एक दो तीन बोलूंगी तुम तीनों मुझे अपना सिंबल दिखाना, ठीक है? ठीक है। तीन दो एक। ओह वाओ, मुझे हार्ट सिंबल मिला है और मुझे डायमंड सिंबल मिला है और मुझे स्टार मिला है। रिंकी तुमने क्या बोला? मुझे देखने दो। क्या ये तो स्टार सिंबल मम्मी उसकी तरह ना, वो जो सेलिब्रिटी। जल्दी से जाओ इसको छिपाओ। लेकिन मैं अपना सिंबल क्यों छिपाऊं? मुझसे सवाल मत करो, मैंने जितना बोला उतना जाके करो। ठीक है आंटी, आपने मुझसे जैसा बोला मैंने वैसा ही किया, मैंने अपना सिंबल छिपा दिया। बहुत अच्छा। और अगर तुम्हारे सिंबल के बारे में तुमसे कोई पूछे तो तुम उनसे यही बोलना कि मुझे सिंबल नहीं मिला। आई बात समझ में? रिंकी मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है कि तुम्हें कोई भी सिंबल नहीं मिला। अरे नहीं कोई बात नहीं, तुम मेरी चिंता मत करो। वैसे क्या तुम्हें पता है मुझे और तरुण को सेम सर्कल सिंबल मिला है। मैं सोच रही हूँ क्या मुझे उसको जाके दिखाना चाहिए। अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, जाओ उसको दिखा कर आओ। ठीक है मैं दिखा कर आती हूँ, लंच टाइम में मिलते हैं, बाय। फेमस मूवी स्टार राहुल खुराना ने आज अपना सिंबल रिवील किया है। एक सेकंड मैं दिखाता हूँ, आप लोग वेट तो करिए। 3, 2, 1। ओह माय गॉड, राहुल खुराना को स्टार सिंबल मिला है। सो आज की ब्रेकिंग न्यूज यही है कि राहुल खुराना को स्टार सिंबल मिला है। स्टार को तो स्टार सिंबल मिलना ही था। रिंकी क्या वो वही मेल? हाँ, है ये वही है। सच में लाओ नहीं, मुझे दो, मैं खोलने वाली हूँ। हर मैं हटो यहाँ से, पहले खोलूंगी सबसे पहले। लड़कियों प्लीज थोड़ा तमीज से पेश आओ। ओह माय गॉड, हम जीत गए, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। हम आपको इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि वंस इन अ लाइफ टाइम हो रहे मूवी प्रीमियर के लिए हम आपके और आपकी पूरी फैमिली को इनवाइट कर रहे हैं। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। तुम दोनों इसका मतलब समझ रही हो कि तुम दोनों को राहुल खुराना जैसे बड़े सेलिब्रिटी के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा? वहाँ पे राहुल खुराना भी आ रहा है। ओह माय गॉड रिंकी, क्या तुमको ये भी नहीं पता राहुल खुराना उस मूवी का हीरो है, वो सामने से कितना हैंडसम होगा। हमारे पास टाइम बर्बाद करने के लिए नहीं है, मुझे तुम दोनों की आउटफिट चूज करनी होगी। और मेरा क्या, क्योंकि मेल पे लिखा है कि फैमिली के सारे मेंबर इनवाइटेड हैं। क्या मुझे तुम्हें फिर से बताना पड़ेगा कि तुम अडॉप्टेड हो? लेकिन आप लोगों ने ही मुझे चूज किया था अडॉप्ट करने के लिए। हाँ क्योंकि मेरी बहन यानी तुम्हारी माँ को कैंसर था और उसने मरने से पहले मुझसे प्रॉमिस करवाया था कि उसके मर जाने के बाद मैं तुम्हें अडॉप्ट करूँ, इसीलिए। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे वहाँ पे जाना चाहिए क्योंकि राहुल खुराना की तरह मेरा भी मार्क। हाँ मैंने तुमसे वो मार्क छिपाने के लिए बोला था ना, मैंने आपके सामने छिपाया था, शायद सुबह बर्तन धुलने की वजह से यहाँ पे पानी लग गया और ये इरेज। मुझे तुम्हारे बहाने नहीं चाहिए, जाओ और उसको जल्दी से छिपाओ। लड़कियों चलो। ओ गॉड, हमारे कपड़े कब तक रेडी होंगे? मेरा। एक सेकेंड, तुम दोनों का सिंबल, तुम दोनों ने अपना सिंबल चेंज करके स्टार बना लिया? हाँ तो क्या हो गया, इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये रूल के खिलाफ है, मैं तुम दोनों को अंदर करा सकती हूँ। मम्मी रिंकी अपना फोन नीचे रखो। लेकिन ये स्टार सिंबल मेरा है और राहुल और मैं सोल। हाँ मुझे पता है। अच्छा तो इसीलिए आपने मुझसे बोला था कि मेकअप से मैं अपना सिंबल छिपा लूँ, है ना? रिंकी मुझे तुमसे एक क्वेश्चन पूछने दो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि राहुल खुराना चाहेगा कि तुम उसकी सोलमेट बनो? आई मीन अपने आप को देखो, वो इतना बड़ा मूवी स्टार है और तुम एक आम बदसूरत दिखने वाली लड़की जो कि स्कूल ड्रॉप आउट है। लेकिन आपने मुझसे बोला था कि मैं स्कूल से ड्रॉप आउट लेके घर के काम करूं, उसके बाद भी मैंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा किया। और हाँ अगर तुमने मेरे साथ चलाकी करने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हें धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल दूंगी। और मेरा भरोसा करो कि तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो सकता है, समझी? अब मेरी नजरों से दूर चली जाओ, समझी? तो लड़कियों क्या तुम दोनों तैयार हो? हमें चलना होगा। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। हाय रिंकी, देखो अपने मिस वर्ल्ड कॉम्पिटिशन से कौन आ गया वापस। मैं सेकंड आई। रिया तुम कैसे अंदर आई? पीछे वाले दरवाजे से, मैंने सोचा कि मैं तुम्हें आके सरप्राइज दूंगी। क्या हुआ रिंकी, तुम रो क्यों रही थी? छोड़ो रहने दो रिंकी प्लीज, मुझे नहीं पता मेरे यहाँ से जाने के बाद तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ, बट मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपनी सारी बातें बताओ। रिया छोड़ो ना। रिंकी प्लीज, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, मुझे तुम्हें ऐसे देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, प्लीज बताओ। ठीक है। ओह माय गॉड, मुझे बिलीव नहीं हो रहा उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा किया। तुम्हारा पूरा हक है उस मूवी प्रीमियर में जाने का और राहुल खुराना से मिलने का। छोड़ो, अब वैसे भी काफी ज्यादा लेट हो गई है। नहीं ऐसा नहीं है रिंकी, अभी भी टाइम है। अगर मैं चली भी जाऊंगी तो मैं ऐसे थोड़ी ना जाऊंगी, और मेरे पास तो कपड़े भी नहीं है। मेरे होते हुए तुम्हें मूवी प्रीमियर में जाने से कोई नहीं रोक सकता। जब मैं मिस वर्ल्ड कॉम्पिटिशन में गई थी तो मैंने बैकअप के लिए बहुत सारी ड्रेसेस पहले से ही रख ली थी। रिंकी तुम्हारा लग बहुत अच्छा, मैं इसे बुटीक में लौटाने वाली थी, लेकिन नहीं अभी उससे पहले तुम पहनोगी। चलो चलते हैं, जल्दी से ट्राई करते हैं, चलो। ठीक है। ओह माय गॉड रिंकी, तुम बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हो, नजर ना लगे तुम्हें किसी की भी। रिया क्या तुम्हें लगता है कि मुझे वहाँ पे जाना चाहिए? ऑफ कोर्स रिंकी तुम्हें वहाँ पे जाना चाहिए, और ये लो तुम्हारा फेक वीआईपी पास, मैंने इसे प्रिंट आउट करके निकलवा लिया, अब तुम्हें वहाँ पे जाने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू रिया, बट आई रियली होप कि मेरी आंटी और मेरे कजन मुझे वहाँ पे देख लें। रिंकी तुम बिल्कुल चिंता मत करो, सब कुछ सही होगा। एक्सक्यूज मी राहुल। हाय, क्या तुम्हें मेरा ऑटोग्राफ चाहिए? इधर लाइन लगा लो। नहीं मुझे आपको ये दिखाना था। ओह तो तुम्हें भी स्टार सिंबल मिला है। क्या ये लड़की आपको डिस्टर्ब कर रही है? नहीं बिल्कुल नहीं। चलो हम थोड़ा प्राइवेट में जाके बातें करते हैं, यहाँ पे नहीं। आई एम सो ग्लैड कि तुम मुझसे मिलने आई, तुम काफी अच्छी लग रही हो।
लेकिन आपके फैंस का क्या होगा? मुझे गलत मत समझना, आई लव माई फैंस, लेकिन वो मुझे जानते नहीं है और उनको बस मेरे साथ एक फोटो चाहिए और ऑटोग्राफ। और रही बात मेरी फैमिली की, उनको तो मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। राहुल, क्या आपको कभी ऐसा फील हुआ कि आपकी फैमिली सिर्फ आपको यूज करती है वो पाने के लिए जो उनको चाहिए होता है, और इस प्रोसेस में वो आपको हर्ट भी करते हैं? ऐसा बहुत बार हुआ है। बातों बातों में तो मैं भूल ही गया तुमसे पूछना कि तुम्हारा नाम क्या है। मेरा नाम राहुल खुराना। प्लीज आप इधर देखिए, ये लड़की आपके साथ कौन? प्लीज हमें अकेला छोड़ दीजिए। क्या वो हमारी फोटोज ले रहे हैं? हाँ, मैं उन्हें संभालता हूँ। प्लीज मुझे यहाँ से जाना होगा। रुको तो, रिंकी, रिंकी तुम कहाँ पे हो? मुझे जल्दी से चेंज करना होगा। रिंकी, तो तुम यहाँ पे हो? मैं तुमसे बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसी अपनी कजन सिस्टर को ऐसी ड्रेस देने की जिसके ऊपर दाग लगा था? हाँ, मैंने इसको बोला भी था ड्राई क्लीनिंग करवाने के लिए। सॉरी, वो मेरे दिमाग से उतर गया था। खैर, तुम शुक्र मनाओ कि अभी मैं बहुत ज्यादा थकी हूँ। मैं तुमसे कल सुबह बात करती हूँ। लड़कियों, चलो हमें सोना होगा, हमें ब्यूटी स्लीप की जरूरत है। ब्रेकिंग न्यूज, राहुल खुराना को इस लड़की के साथ देखा गया इवेंट में। उन्होंने ये नहीं बताया कि ये लड़की कौन है। नहीं, पेपराइजी ने कुछ पिक्चर्स लिए, देखिए। लोगों के मन में इस लड़की को लेकर काफी सारे सवाल उठ रहे हैं। आंटी, आपने मुझे बुलाया? हाँ, मैंने तुम्हें बुलाया। मैं ये सोच रही थी क्या तुम मुझे एक्सप्लेन करोगी कि ये कपड़ा तुम्हारे बेड के नीचे क्या कर रहा था। आप मेरे कमरे में आकर मेरा कमरा चेक कर रही थी? ये पूरा घर मेरा है, अब मेरे सवाल का जवाब दो। क्या तुम मेरे मना करने के बाद भी इवेंट में गई थी? हाँ, मैं गई थी इवेंट में, और वहाँ जाने का मेरा पूरा हक है क्योंकि मैं और राहुल एक दूसरे के सोलमेट्स हैं। और अगर मैंने ये सब किया उसकी वजह से आप मुझे घर से निकालना चाहती हैं तो ठीक है, आप मुझे निकाल सकती हैं, क्योंकि मैं भी थक गई हूँ। जिस तरीके से आप लोग मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते, मुझे इतनी गंदी तरीके से ट्रीट करते हैं। अरे नहीं, ये क्या बोल रही है? आज तो ये पक्का गई मम्मी इसको छोड़ेंगी नहीं। लड़कियों, तुम्हें हम दोनों की बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, वैसे रिंकी ने सही बोला, हमें उसे थोड़ा रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना होगा। रिंकी डियर, अब तुम आराम से बैठ के टीवी देखो, मैं किचन में जाके तुम्हारे लिए कुछ पीने के लिए लेकर आती हूँ। ये लो तुम्हारा फेवरेट, मैंने इसमें थोड़ा सा लेमन भी निचोड़ा है। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? लाओ इधर दो। देखा, कुछ नहीं हुआ। मैं बस चाहती हूँ कि मैं तुमसे अच्छे से पेश आऊं, और कुछ नहीं। ठीक है, थैंक यू। राहुल खुराना उस लड़की से कुछ बोलना चाहते हैं। अगर तुम ये न्यूज देख रहे हो तो प्लीज मुझे अपनी और अपने सिंबल की पिक्चर के साथ मुझे डीएम करो। राहुल तुम्हें ढूंढ रहा है? हाँ, मैं जा रही हूँ उसको मैसेज करने के लिए। लेकिन रिंकी, तुम तो बिल्कुल फेक हो। क्यों, क्या हुआ? देखो, मैं तुमसे ऑनेस्ट होके बोल रही हूँ, बिना हेयर स्टाइल के, बिना अच्छे कपड़ों के और बिना मेकअप के तुम बिल्कुल बदसूरत लगती हो। क्या तुम चाहती हो कि राहुल तुम्हें इस तरीके से एक्सेप्ट करे? हाँ, क्योंकि मेरी मम्मी ने हमेशा मुझे सिखाया है कि बेचारी रिंकी, क्या तुम्हें सच में लगा था कि मैं तुमसे अच्छे से पेश आऊंगी? तुम भी बिल्कुल मेरी बहन की तरह हो, जिद्दी और बेवकूफ, हमेशा मेरे और मेरी बेटियों के बीच में आ जाती हो। लेकिन अब और नहीं, बड़ी आई थी सोलमेट बनाने वाली। मम्मी, आपने रिंकी के साथ ये क्या किया? अरे तुम दोनों चिंता मत करो, ये बस थोड़ी देर के लिए सो रही है। समांथा, जैस्मिन। हाँ जैस्मिन, तुम जल्दी से पहन लो। हाँ? और जाकर तैयार हो। क्या मैं? हाँ तुम। लेकिन क्यों? क्योंकि तुम ही लगभग रिंकी की तरह दिखती हो, और अब राहुल खुराना को ये यकीन दिलाएंगे कि तुम रिंकी हो, समझी? अब जल्दी से जाओ और तैयार हो। और जब तक जैस्मिन रेडी हो रही है, मैं तब तक तुम्हारे हाथ के सिंबल का फोटो ले लेती हूँ। अच्छी लग रही हो, अब रिंकी की तरह बात करने की कोशिश करो। मेरा नाम रिंकी है और तुमसे मिलकर अच्छा लगा राहुल खुराना। अच्छा यही होगा कि तुम अपना मुंह बंद रखना, समझी? राहुल किसी भी वक्त आता होगा। और समांथा, तुम रिंकी के रूम में रुक के उसके ऊपर नजर रखोगी, वो रूम से बाहर नहीं जाने चाहिए। तो क्या ये किसी भी वक्त उठ सकती है? शायद, चलो। मम्मी, क्या आपको लगता है कि ये मार्कर से बना हुआ स्टार रियल लग रहा है? क्योंकि मुझे। हाँ बिल्कुल, अब चुपचाप रिंकी की तरह एक्टिंग करने की कोशिश करो। लगता है वो आ गया, चलो। हेलो राहुल, आपका हमारे घर में स्वागत है। रिंकी आपका कब से वेट कर रही थी। तो क्या उसका नाम रिंकी है? हाँ, वो उस तरफ है, चलिए मैं आपको उससे मिलाती हूँ। ओके चलते हैं। नहीं, अब मैं ये और नहीं कर सकती, मम्मी ने तो इस बार हद ही कर दी। रिंकी उठो, तुम्हें उठना होगा। हाय रिंकी, थैंक यू सो मच, तुमने मुझे मैसेज किया। और मूवी प्रीमियर के दिन पेपराइजी की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? एक्चुअली वो बस थोड़ा सा शर्मा रही है। ओके, मैं समझ सकता हूँ। रिंकी, रिंकी उठो, राहुल आया है, तुम्हें उससे जाके मिलना होगा। उठो राहुल। हाँ, ये सब इतनी जल्दबाजी में हुआ कि बेचारी अभी थोड़ी सी झटके में है, इसको थोड़ा टाइम लगेगा ये सारी चीजें अडॉप्ट करने में। मैं आपको अपना पूरा घर दिखाती हूँ, तब तक ये थोड़ी सी रिलैक्स हो जाएगी। हाँ क्यों नहीं, चलिए चलते हैं। चलिए जैस्मिन।
रिंकी प्लीज उठो, इससे पहले देर हो जाए। प्लीज उठो, तुम्हें जाके राहुल से मिलना होगा। उठ जाओ। नहीं समांथा, मैं नहीं उठ सकती अभी, ये तो उठ ही नहीं रही है, मुझे जाकर कुछ करना होगा। ये है वो म्यूजिक रूम जहाँ पे सारी लड़कियाँ सिंगिंग की प्रैक्टिस करती हैं। राहुल नहीं, मेरी मम्मी जो कुछ भी तुमसे कह रही है प्लीज उनकी बातों पे यकीन मत करना, ये झूठ बोल रही है। क्या ये क्या कह रही है? मैं उसकी तरफ से माफी मांगना चाहती हूँ, एक्चुअली मेरी लड़कियाँ आजकल कुछ ज्यादा ही बदतमीज हो गई हैं। नहीं मैं सच बोल रही हूँ, ये जो आपके सामने लड़की खड़ी है ये मेरी बहन जैस्मिन है, रिंकी नहीं। समांथा, ये जो इसके हाथ पे स्टार का मार्क है ये नकली है, इसको मार्कर से बनाया गया है, ये देखिए इरेज हो गया। प्लीज आप मुझे बताएंगी कि ये सब क्या हो रहा है? राहुल मैं आपको रियल रिंकी से मिलवाती हूँ, चलिए मेरे पीछे आइए जल्दी से। ये देखिए ये है रियल रिंकी। रिंकी क्या तुम ठीक हो? राहुल नहीं आप प्लीज आप इससे दूर हटिए, ये पागल है। नहीं मम्मी पागल रिंकी नहीं, पागल आप है, इस बार आपने कुछ ज्यादा ही हद कर दी, आपने रिंकी को इतना ज्यादा हर्ट किया। तुम अपनी माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो बदतमीज लड़की? मम्मी मैंने अब रियलाइज कर लिया है कि मुझे अब आपकी तरह नहीं बनना है। मम्मी अब सच में बहुत बुरी है, आपकी वजह से मैं और जैस्मिन भी रिंकी से इतनी ज्यादा नफरत करने लगे थे, और हम दोनों को पता है कि आपने ना चाहते हुए रिंकी को इसलिए अडॉप्ट किया क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी के साथ साथ उसका पूरा घर आपको चाहिए था। क्या? ओ प्लीज रिंकी तुम्हें सरप्राइज होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें पहले से पता था कि मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं करती थी। ओ माय गॉड, मुझे बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा कि आपने रिंकी के साथ ऐसा किया। रिंकी तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाता हूँ और पुलिस को भी। मैं एम्बुलेंस को कॉल करती हूँ। हाँ राहुल थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए। थैंक यू मत बोलो। लेकिन अब तो तुम्हें पता चल गया ना कि मैं कैसी दिखती हूँ, तो अगर तुम अब मेरे साथ रहना नहीं चाहते हो तो मैं समझ सकती हूँ। रिंकी क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो? आज के बाद से तुम ऐसी बातें मत करना और ना किसी को मौका देना कि वो तुमसे ऐसी बातें करे, समझी? हर इंसान ब्यूटीफुल होता है। मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि तुम पहले से बेटर फील कर रही हो। एक साल बाद। मैडम तो क्या आज के लिए इतनी सफाई ठीक है? मैंने पूरा घर चमका दिया। मुझे नहीं पता राहुल तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है कि अभी इनको और सफाई से काम करना चाहिए। मैं तुम्हारी बातों से बिल्कुल एग्री करती हूँ।